हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बी ए लर्नर ऑलवेज। आज की हमारी जो क्लास रहेगी साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड रहेगी। क्लास को शुरू करने से पहले देखिए कुछ लाइन्स हैं आपके लिए। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। ठीक है, डर सभी को लगता है अपनी मंजिल को देख के और अपने रास्ते और मंजिल के बीच का डिफरेंस देख के। ठीक है, तो इसीलिए ये बात कही गई है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आपका जितनी भी मेहनत रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, उसी को देख के आपकी मंजिल आपके करीब होती जाएगी। तो कभी भी डरिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा नए रास्ते बनाते रहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहेगी हमारी एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर ऑफ मेंटल इलनेस। पिछली क्लासेस के अंदर हमने मेंटल इलनेस को और क्लासिफिकेशन को, मिसकंसेप्शन को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है या क्या रिस्क फैक्टर रह सकते हैं मेंटल इलनेस होने के। तो देखिए, देर आर सेवरल फैक्टर विच इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इंक्रीज कर देते हैं चांसेस को, इंसिडेंस को, न्यू केसेस को, ठीक है, मेंटल इलनेस के। उसमें आपको चार तरीके के फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर, सोशो कल्चरल फैक्टर और अदर्स फैक्टर भी आपके कुछ। तो शुरुआत करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में भी आपकी चार सब डिवीज़न हैं, कंस्टिट्यूशनल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, शुरुआत करते हैं कंस्टिट्यूशनल फैक्टर के साथ। ये जो कंस्टिट्यूट वर्ड है, इसका मतलब है बनावट, यानी आपकी जो बॉडी है उसकी बनावट के हिसाब से, या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है। ठीक है, मेंटल इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ दिमाग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कंस्टिट्यूशनल फैक्टर के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी मेंटल इलनेस अक्कर। जैसे भी इंसान की पर्सनैलिटी रहेगी उसी हिसाब से क्या रहता है, बीमारियाँ होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, जैसे अगर इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट के अंदर आपको डिप्रेशन की जो बीमारी है वो देखने को मिलेगी। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले जो इंसान हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने आप में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं, अपने बारे में बहुत कम लोगों को बताते हैं, जो सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद आता है एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्स्ट्रोवर्ट यानी जो बाहरी दुनिया के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जो कंडीशन देखने को मिलती है वो रहती है मैनिया। ये दोनों ही मूड जो डिसऑर्डर है उसकी टाइप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी रहेगी एनएक्सियस, यानी मतलब जो डरते हों ज़्यादा, वरी करते हों, बेचैनी में रहते हों, लोगों के आसपास बेचैनी होती है उनको, तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपको एनजाइटी की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। एनजाइटी आपकी एक न्यूरोटिक डिजीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर। देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर का ही सेकंड पॉइंट है आपका जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जैसा इसके नाम में है, आपको पता है जीन्स के अंदर अगर कोई दिक्कत है उसकी वजह से। अब जीन्स आपके कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी विच में भी इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर लीड टू द मेंटल इलनेस। अगर आपका जो क्रोमोसोम का नंबर, देखिए नॉर्मली कितना होता है, 46 होता है, क्रोमोसोम का नंबर अगर एबनॉर्मली या तो बढ़ जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका मेंटल जो इलनेस है वो आपकी देखने को मिल सकती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा कॉज है जो मोस्ट कॉमनली मेंटल इलनेस को कॉज करता है, तो वो आपके क्या रहेंगे, जेनेटिक फैक्टर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो आपका फैक्टर रहेगा बायोलॉजिकल फैक्टर में वो रहेगा फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजी यानी आपकी बॉडी की फंक्शन से रिलेटेड है। अब देखिए, जब आपको खाना ना मिले, डेफिशिएंसी ऑफ फूड, क्लोथ, शेल्टर, रहने के लिए जगह, मे लीड टू द मेंटल इलनेस। वही आ गया आपका ये रोटी, कपड़ा, मकान। अगर इन तीनों की कमी है तो ये आपकी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अगर ये पूरी नहीं होंगी तो इंसान क्या रहेगा, आपका मेंटली स्ट्रेस में रहेगा, तो वो इल होने के जो चांसेस हैं वो उसके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप का मतलब क्या, उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन काम ना कर रहा हो। तो यही बात यहाँ पे बताई है, एनी डेफिशिएंसी इन द पर्सन बॉडी, जैसे कि अगर वो बहरा हो, सुन ना सके, आँख ना हो उसकी, या फिर हाथ पैर टांग नहीं है, तो ये सारी कंडीशंस उसको क्या
मतलब आगे की तरफ लीड करती हैं मेंटली इल होने के, क्योंकि ऐसे जो फिर बंदे होंगे उनका जो मेंटल स्टेटस रहेगा वो बहुत ही वीक रहेगा, या वो बहुत ज़्यादा प्रोन होंगे, उनके अंदर जो चांसेस हैं मेंटल इलनेस के वो बढ़ जाएंगे आपके। नेक्स्ट हम जो फैक्टर पढ़ेंगे वो रहेगा आपका साइको सोशल फैक्टर्स के बारे में। साइको सोशल फैक्टर देखिए, साइको यानी आपके मेंटल से भी और सोशल यानी आपकी सोसाइटी के अंदर जो होने वाली चीज़ें हैं वहाँ से, दोनों को मिला के आपके इन फैक्टर का नाम रखा गया है साइको सोशल फैक्टर। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका मैटरनल डेप्रिवेशन। मैटरनल डेप्रिवेशन का मतलब क्या है? माँ की कमी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्ट्रेस। थर्ड पॉइंट है आपका पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, यानी आपकी जो फैमिली है उसी के अंदर क्या है मेंटल इलनेस का पैथोजेनिक यानी डिजीज की कंडीशन है जो पैटर्न में चली आ रही है, या फिर पैथोजेनिक आईपीआर। आईपीआर का मतलब क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं मैटरनल डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है कमी, तो आप लिख सकते हो मैटरनल लॉस। अगर किसी बच्चे ने कभी माँ का प्यार ही नहीं देखा, या फिर आप कह सकते हो अगर एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी माँ उसके बर्थ के बाद ही मर गई है, या फिर वो बच्चा कुछ साल का है उसके बाद उसकी माँ मर गई है, यानी जिसने भी माँ का जो प्यार है केयर है वो रिसीव नहीं की है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उस बच्चे के अंदर मेंटल इलनेस होने के। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको पता है डिस्टर्बेंस इन कम्फर्ट जोन को आप क्या बोलते हो? स्ट्रेस बोलते हो। ये आज के टाइम में तो हम हर छोटी से छोटी चीज़ को लेके वो हो जाते हैं, थोड़ा चिंता में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो अफेक्ट होता है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है आपका पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न। पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न में आएगा व्हेन द पेरेंट हैव ओवर कंट्रोल और ओवर प्रोटेक्शन ऑन चाइल्ड मे लीड टू इलनेस। अगर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ही कंट्रोल करते हैं, या उनको उनके लिए ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, खुद से उन्हें कोई फैसला नहीं करने देते, खुद से उन्हें कहीं आने जाने नहीं देते, खुद से उनकी पढ़ाई पे भी उनका कोई वो ना हो, तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है? आपका जो मेंटल इलनेस के चांसेस हैं, बच्चा प्रेशर में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, ठीक है, या फिर हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मेंटल इलनेस के जो चांसेस हैं वो बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका पैथोजेनिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। पैथोजेनिक इंटरपर्सनल आईपीआर जो हमने पढ़ा था, इसके अंदर है व्हेन द डिस्टरबेंस इन द रिलेशनशिप ऑफ एन हस्बैंड वाइफ मे अफेक्ट द चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ की ही रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस है, उन्हीं की आपस में नहीं बन रही है, तो ये दो चीज़ें रहेंगी, मतलब उनके बीच का झगड़ा उनके बच्चे की जो मेंटल हेल्थ रहेगी उसको अफेक्ट करेगा। वो उसको वैसे ही देखेगा बच्चा कि नहीं, हस्बैंड वाइफ यानी शादी करना गलत है, ऐसे झगड़े होते हैं, फिर बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाता है, तो बच्चे की यही मेंटेलिटी बन जाएगी और आगे जो उसकी ज़िंदगी होगी उसके अंदर उसको दिखते देखने को मिलेंगे इस चीज़ में। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। अभी हमने डिटेल में पढ़ा साइको सोशल फैक्टर्स को, अब हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के बारे में। अब देखिए सोशियो कल्चरल में सबसे फर्स्ट आता है हमारा वार एंड वायलेंस, ठीक है। देखिए जब भी कोई वर्ल्ड वार होता है, या फिर कोई और किसी तरीके का वार होता है, या वायलेंस होता है, जैसे दंगे फसाद हो गए, उस दौरान बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, किसी कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, या फिर आप बीमारी कह सकते हो, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना की वजह से कितने बच्चे हैं जो बेचारे ऑर्फन हुए हैं, माँ बाप उनके मर गए हैं, तो ऐसी कंडीशंस, ठीक है, वॉर हो गया, वायलेंस हो गया, या कोई ऐसी पेंडेमिक डिजीज हो गई जिसकी वजह से क्या हो, बच्चों के घर उजड़ जाएं या लोगों के घर उजड़ जाएं, जिसकी वजह से उनको आगे आने वाली ज़िंदगी में मेंटली प्रेशर में जीना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेस में जीना पड़ेगा, तो वो कंडीशन क्या है, उनको मेंटल इलनेस की तरफ लीड करती हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है इसके अंदर अन एजुकेशन का, ठीक है। पढ़ा लिखा ना होना या फिर प्रॉपर नॉलेज ना होना भी क्या है? एक रिस्क फैक्टर है मेंटल इलनेस का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी। बेरोजगारी आज के हम जो युवा लोग हैं, अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख के भी एक अच्छा कोर्स करके भी अगर हमें एक सेटिस्फाइंग जॉब नहीं मिल रही है, तो ये हमें लीड करती है मेंटल स्ट्रेस की तरफ, और स्ट्रेस भी आपकी क्या है, एक तरीके की मेंटल इलनेस ही है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिसके जो प्रभाव है हमारे माइंड के ऊपर वो नेगेटिव ही जाते हैं। अगर हम जितना ज़्यादा यूज़ टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, वो उतनी ही हार्मफुल रेज हमारे माइंड के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्लीप पैटर्न है, फूड ईटिंग
पैटर्न है वो हमारा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और हम बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी सोशियो कल्चरल फैक्टर के अंदर आती हैं जो मेंटल इलनेस को कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे अदर्स फैक्टर, ठीक है। अदर्स फैक्टर में आता है, देखिए सबसे पहला आपका यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है। आज के जो युवा लोग हैं वो आपको पता है अलग अलग तरीके का नशा करने लगे हैं, शराब हो गई, स्मोकिंग हो गई, या फिर उसके बाद आपका हीरोइन हो गया, गांजा हो गया, सुल्फा हो गया, कोकेन हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसी चीज़ों का यूज़ करना, मॉर्फिन होगी, जो मतलब उनको कुछ टाइम के लिए प्लेजर दे या फिर उनके लिए नयापन हो, जैसे संगत में लोग बैठते हैं वैसा ही वो खाना पीना सीखते हैं। तो यूज़ ऑफ ड्रग मोस्ट कॉमन आपका फैक्टर बन गया है अदर फैक्टर के अंदर, जो मेंटल इलनेस की तरफ आपको लेके जाता है, क्योंकि आपको एक बार लत लग जाएगी इन चीज़ों की, फिर आप उनको छोड़ नहीं पाओगे, और अगर छोड़ नहीं पाओगे और आपके पास पैसे खत्म हो गए और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप फिर स्ट्रेस में आओगे, सिम्टम्स आएंगे आपके अंदर, तो मेंटल इलनेस की तरफ ये आपको बढ़ा देती है। सेकंड चीज़ है जो आज के टाइम में चली हुई है वो है लव फेलियर, ठीक है। रिलेशनशिप में आना, फिर ब्रेकअप्स होना, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत स्ट्रेस का मेजर कारण बन गई हैं, ठीक है। लोग इसकी वजह से भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं लव फेलियर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेड इंजरी, ये आपका देखिए जेन्युइन कॉज है अदर फैक्टर के अंदर। अगर आपके हेड में किसी तरह की भी इंजरी, एक्सीडेंट की वजह से, या फिर किसी ने मार दिया है किसी को उसकी वजह से, आप कहीं से गिर गए हो उसकी वजह से भी, किसी भी तरह से अगर हेड इंजरी आपकी को देखने को मिल रही है, तो हो सकता है आपके ब्रेन के किसी ऐसे हिस्से पर चोट लग जाए जिसकी वजह से आपके जो इमोशंस वाला पोर्शन है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन है ब्रेन का, वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से आप मेंटली इल होने की कंडीशन में जा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा लो आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल आपको पता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को आप आईक्यू लेवल बोलते हो, ठीक है। अगर ये किसी का जन्म से ही कम है, तब ये क्या हो सकता है, आपका मेंटल इलनेस की तरफ ये आपको लीड कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इम्बैलेंस इन द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर आपको पता है जो मैसेज ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, अगर इन्हीं के बीच इम्बैलेंस है, ठीक है, ये ही आपका प्रॉपर मैसेज ना करें। अब जैसे अगर मेरे को इस किताब पे लिखना है न्यूरो ट्रांसमीटर ही, ठीक है, और जो मेरा ब्रेन एक नर्व को दूसरी नर्व मैसेज भेज रहा है, मैं लिखना चाहती हूँ न्यूरो ट्रांसमीटर, लेकिन मैं लिख दूँ यहाँ न्यूरो केमिकल या कुछ और, अगर इनके बीच में इम्बैलेंस है, हो रहा है इनके बीच में इम्बैलेंस, तो क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस की तरफ आप बढ़ रहे हो या फिर ये फैक्टर आपको बढ़ा रहे हैं उस तरफ। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही हमने डिस्कस किए हैं आपके कॉजेज और रिस्क फैक्टर जो आपके कॉज कर सकते हैं मेंटल इलनेस को। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज़।